नमस्ते सभी को। तो जो टोटल शिफ्ट एक्सपेक्टेड है बिजली 3 से, इसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको लेकर हमने एक असाइनमेंट भी लिया था कि क्या हम शिफ्ट के लिए तैयार हैं, और यदि नहीं तो उसके लिए हम आगे के लिए सोच सकते हैं कि जिन साथियों ने अभी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप ही किया है, UHV-2 नहीं किया है, वो अटेंड कर लें, और UHV-2 करने के बाद भी यदि उसको रिपीट करने का अवसर मिलता है तो भी अच्छा रहेगा, उससे और क्लैरिटी ही बनेगी। और जो हमारे वीकली मीटिंग्स होते हैं आदि, उसमें भी अगर आप आते हैं तो जो बेसिक कंटेंट है वो बार बार रिवाइज होता है, उसमें FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी रखा जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे और जो बेसिक कंटेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसके भी उत्तर मिलते हैं। तो UHV-3 से जो अपेक्षा है कि हम इस बात को अपने आप में देख पाए कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर साधन मात्र है। मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, समृद्धि का भाव निरंतर सुख के भाव का ही एक भाग है, और ये मैं की आवश्यकता है, और ये मैं की क्रियाओं द्वारा ही पूरा होना है। कैसे पूरा होना है? तो सहस्तित्व को देखकर, सहस्तित्व के आधार पर भाव विचार को सुनिश्चित करके। तो मैं की आवश्यकता है निरंतर सुख, और मैं की जो आवश्यकता है मैं द्वारा ही पूरी होनी है। कैसे पूरी होनी है? सहस्तित्व के ज्ञान के साथ, सहस्तित्व के भाव और विचार के साथ। तो मुझ में सहस्तित्व का ज्ञान हो जाए, सहस्तित्व का भाव विचार सुनिश्चित हो जाए, मैं अपने आप में ऐसी स्थिति में रहता हूँ जिसमें मैं हर क्षण बने रहना चाहता हूँ, उसी को सुख कह रहे हैं। तो इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी निकलता है कि अब मेरी आवश्यकता मेरे द्वारा ही पूरी होने वाली है, न शरीर के द्वारा, न बाहर की घटनाओं के द्वारा। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो आप पाएंगे कि एक मेजर शिफ्ट होता है ये, है ना। जब मैं इस बात को देख पाता हूँ कि मेरी आवश्यकता मेरे द्वारा ही पूरी होगी, किसी बाहर की वस्तु के द्वारा नहीं। जैसे ही मैं अपने सुख के लिए किसी बाहर की वस्तु पर निर्भर होता हूँ, वो परतंत्रता है। तो पहले तो हमने इस बात के पहचाना कि हमारी आवश्यकता जो है सुविधा नहीं है, मौलिक रूप से सुख है, ठीक है ना। जो सुविधा है वो शरीर की आवश्यकता है। अब ये कह रहे हैं कि जो मेरी आवश्यकता मेरे द्वारा ही पूरी होगी, उसके लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। इस बात को अगर हम देख पाए, अप्रिशिएट कर पाए, तो इससे हमारे बहुत सारे द्वंद, उलझन, समस्या, परेशानी का निराकरण दिखने लगता है कि फिर मुझे अपने ऊपर ही काम करना है। और क्या करना है? सहस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित होना है, सहस्तित्व का भाव विचार सुनिश्चित होना है। सहस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित होने का मतलब उसी को समझना है, उसी को अभी डिस्कस करेंगे। पूरे इस कोर्स में हम सहस्तित्व को ही डिस्कस करेंगे, उसी के फलन के रूप में व्यवस्था किस प्रकार से है, उसी के फलन में किस प्रकार से संबंध बना हुआ है, और कैसे उसके आधार पर मेरे जीने का आचरण निश्चित होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। टोटल शिफ्ट देखें तो हमें UHV-2 से ये शिफ्ट मिला था कि मानव मैं और शरीर का सहस्तित्व है। अब यह बात ध्यान में आती है कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन मात्र है। अस्तित्व के बारे में ये हमें जानकारी मिली थी कि अस्तित्व का मतलब शून्य में संपृक्त इकाइयां, जो दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। अभी हम लोग उसको भी रखेंगे, इसके आगे जो एक फर्दर शिफ्ट है उस पर जब बात करेंगे तो इस पर और एक क्वालिटेटिव शिफ्ट मिलता है अस्तित्व के स्तर पर, उसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। पर्पस के रूप में देखें तो पहले उन्होंने कहा कि मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, है ना। ये UHV-2 के बाद समझ में आता है, और सुख का मतलब हारमोनी में होना। अभी ये जो दिखता है अपने को कि मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ, समृद्धि का भाव उसी का एक भाग है, और सुख का मतलब भी क्या है कि सहस्तित्व के भाव में बने रहना। बात वही है, परंतु अब और उसको स्पष्टता के साथ और बारीकी से देख सकते हैं कि जो ये हारमोनी है, इसी सहस्तित्व का प्रकटन है। मूल में देखें तो सहस्तित्व है, ये एक फर्दर शिफ्ट हमको मिलता है, और समृद्धि का भाव सुख के ही भाव का भाग है। UHV-2 के बाद कार्यक्रम के रूप में दिखाई देता है कि मेरा कार्यक्रम है चार स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, मानव, परिवार, समाज, प्रकृति। अब ये दिखता है कि मेरा कार्यक्रम है सहस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित करना, सहस्तित्व का भाव विचार सुनिश्चित करना, सहस्तित्व पूर्वक जीना। ये UHV-3 से एक्सपेक्टेड है। इस पूरी बात में यदि कुछ स्पष्ट ना हुआ हो कोई जी, मैंने तो एक्चुअली इंग्लिश सेशन में मैंने हैंड रेज किया था, लेकिन मैं वो शेयरिंग याद आ गई मुझे जो आज एक दीदी ने बताया कि क्लास में जो स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं या इनडिसिप्लिन होती है, तो
तो मुझे उस पर से एक बात याद आ गई कि मैंने किस तरह से एक बार मिसबिहेव किया था। एक बार जब स्टूडेंट्स का क्लास टेस्ट चल रहा था एंड सडनली देयर वाज वन न्यू फैकल्टी अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया कि ये टेस्ट के दिन अचानक ये ड्यूटी जो है वो तो एचओडी की है और ये फैकल्टी कैसे आ गई। मैंने मतलब उसका सर्विस का पहला दिन था, मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, पता नहीं चल रहा क्लास टेस्ट है और ये सब। मैंने उसको पहले ही दिन बता दिया, उसके जॉब के पहले दिन। शायद मेरे अंदर गुस्सा था कि जो एचओडी मतलब जो मेरे से 12 साल जूनियर है उसको एचओडी कैसे बना दिया गया, मुझे क्यों नहीं बनाया, या एचओडी का गुस्सा मैं शायद उसके ऊपर उतार दिया जबकि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए था। पहला दिन था तो मैं शायद उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकता था, मैं उसको विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर बोल सकता था क्योंकि मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ। तो मैंने किस तरह से बिहेव किया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, एचओडी ने काम दिया, इनविजिलेशन ड्यूटी जॉब के पहले दिन उसको दी, शी वॉज ड्यूटीफुली डूइंग दैट। उसके बाद फिर दूसरा इंसिडेंस ऐसा हो गया कि जब उसका आखिरी दिन था जॉब का, अब क्लास के बाहर मेरे ऑफिस के बाहर अचानक बहुत सारा शोर शराबा होने लग गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, बाहर जाके स्टूडेंट्स को सीधा डांटना शुरू कर दिया कि क्या कर रहे हो, क्यों इतना नॉइज मचा रहे हो, पता नहीं कि दूसरे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ एकेडमिक वर्क चल रहा है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है। और सडनली मैंने देखा कि वो टीचर भी उनके साथ थी। अब मुझे मतलब मेरा तो ये इंटेंशन नहीं था कि एक टीचर की प्रेजेंस में दूसरा टीचर जाके इस तरह से डांटे, बट फिर मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, जब डांटा तो उसने बताया कि मैडम की अगले हफ्ते शादी है, मैडम छोड़ के जा रही है और इसलिए हम मैडम के साथ फोटो और सेल्फी वगैरह जो खींच रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैंने मतलब एक सब स्टूडेंट्स के सामने, मतलब जबकि टीचर को कुछ नहीं कहा था मैंने, लेकिन फिर भी ऐसा होता ही है फीलिंग कि दूसरे टीचर ने आगे सडनली डांट दिया सबको, जबकि वो टीचर शी वाज ऑलरेडी देयर, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए था। लेकिन मुझे दोनों बार लगा कि मैंने उसके जॉब के पहले दिन और आखिरी दिन दोनों बार मैंने मिसबिहेव किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर जब थोड़ा समय कहूंगा कि अभी हम लोग इस मुद्दे पर शेयरिंग कर ले, आपकी शेयरिंग तो है काफी उपयोगी, या तो थोड़ी देर बाद उसको ले लेते हैं। नहीं, मैं इसको एंड कर देता हूं। फिर मैंने बस ये कंक्लूड किया कि आई शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो फिर ये हुआ कि जब उसके मैरिज का इनविटेशन आया तो फिर मैं उसके घर गया, गिफ्ट वगैरह उसको दिया, ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस दिया और मैंने सोचा कि आई शुड ऑलवेज एंड ऑन पॉजिटिव नोट और इस तरह से मुझे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए और एक का गुस्सा दूसरे पे नहीं उतारना चाहिए। थैंक यू जी। ठीक बात है। देखिये, इस पूरे बात पर ध्यान देने से बहुत सारे मुद्दों पे अपना ठीक से ध्यान जाता है ना, और हम अपने व्यवहार को मूल्यांकित कर पाते हैं। ठीक बात है। ये जो दो शिफ्ट है, यूएचवी 2 से जो शिफ्ट मिला और यूएचवी 3 में जो एक्सपेक्टेड है, इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात अस्पष्ट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। इन दोनों शिफ्ट को लेकर यदि किन्हीं का कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। जी something is expected after UHV 3, so I am teaching UHV currently now, so should I take these as proposals like happiness means coexistence program as to understand coexistence? I have to change them. I was using the earlier slides where that happiness means happiness and prosperity like that was given. So should I use this new material? Should I teach according to these proposals? नहीं नहीं, अभी तो आप जो कोर्स पढ़ा रही हैं, चाहे इंडक्शन प्रोग्राम में चाहे सेकंड ईयर में, तो उसमें तो अभी इस बात को न रखें, अभी बच्चे उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। आपको दिखेगा कि इस बात से रिलेट करने में हमको भी काफी समय मिलता है, समय लगता है ना। तो अभी हम बच्चों के साथ ये बात न रखें, ये तो अभी अपनी तैयारी के लिए है। तो कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर किया अभी तक, आगे और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एसेंशियली हार्मनी का मतलब भी क्या है। ये दिखा दिया कि हार्मनी का जो आधार है ना, वो शून्य में प्रकृति का संप्रयुक्त होना है, यानी सहस्तित्व है। तो ये हम फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, फर्दर उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो ये आपकी अपनी तैयारी के लिए है, अभी इसको क्लास में तो ना रखें, नहीं तो बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा। और इसको एक प्रपोजल के रूप में ही लें आप भी, ये हम सभी जो भी बात यहाँ लिखी गई स्लाइड में, उसे प्रपोजल के रूप में लें, इसको मानने से शुरू ना करें और इसको समझने में समय लगाएं, है ना। इसमें समय थोड़ा लगाना आवश्यक है और समय लग भी सकता है हम सबका, क्योंकि उस स्तर पे जाके चीजों को देखना
अभी हो सकता है हमारी इतनी तैयारी ना हो, तो अभी तो UHV 2 तक आप इस बात को ना रखें, क्योंकि तो UHV 3 की उपलब्धि की बात हो रही है कि हम इतनी बारीकी से और इतनी स्पष्टता से चीजों को। सर मैं सेकंड ईयर में हूँ सर, मुझे ये बोलना था कि सर मेरा फर्स्ट ईयर बहुत ऐसा एकदम ये तक में बार बार ऐसा रिएक्ट होती थी, अब मेरे से कोई भी कैसे भी रिएक्ट हो सर तो मैं उसको मतलब ध्यान नहीं देती, मतलब जो जो समझ की बातें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव रूपन दूसरों के वजह से मैं मेरे हारमोनी को तकलीफ नहीं होंगी, ऐसा क्यों सर? मतलब हम सडन चेंज हो जाते हैं और बार बार मतलब हम मतलब दूसरों के बारे में नहीं सोचते पर खुद को मतलब एकदम सही प्रेफर करते। जी ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमने समझा नहीं है, अभी हमें सूचना मिली है, हमने मान लिया है ये बात ठीक है, अभी हमारे जानने में नहीं आया है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना? तो उसी को जानने का काम कर रहे हैं। हाँ सर। जी अभी इसको पूरी बात समझने के लिए अपने को थोड़ा सा और समय लगाना होगा, कभी हमको ये सूचना तो मिली है, प्रस्ताव तो मिला है, बट हमने इसको ना तो जांचा है पूरी तरह से ना जी कर देखा है, इसलिए हमारा भाव बदल जाता है समय समय पर। नमस्ते भैया, आवाज आ रही है? जी आ रही है। भैया मैं कल की बात को लेकर कुछ शेयर करना चाह रही थी, जो सुविधाओं को एकत्रित और संग्रह की बात थी भैया। शुरू से मेरा ऐसा नेचर था कि मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, पर फिर भी कंफ्यूज रहता था फैमिली के साथ सर्वाइव करने में कि बच्चों को कैसे समझाऊं या इन लॉज को कैसे समझाऊं। तो जब मैंने ये अटेंड किया भैया और समझ में आया मुझे, तो मुझे समझाना बहुत आसान हो गया कि मैं जैसे अभी शादी को 25 इयर्स हो गए, पर मेरे पास मैंने मुश्किल से 20 साड़ी भी नहीं खरीदी, पर जब भी फेस्टिवल्स आते थे तो बच्चों के दादा जिद करते थे कि इनके हर दिवाली पे नई ड्रेस चाहिए और मुझे लगता था जरूरत से चाहिए, तो मैं दोनों के बीच में द्वंद चलता रहता था कि मैं कैसे समझाऊं क्या करूं, पर मुझे कपड़े बच्चों के लिए चाहिए तो नहीं ऑलरेडी है, और फिर मैं नहीं लेती थी तो मुझे लगता था कि मैं इनकी इच्छा खत्म कर रही हूँ या बड़ों के साथ मैं गलत कर रही हूँ कि मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ। जब घर बनाया था नया तो स्पार्सली फर्नीचर बनवाया, तो रूफ सीलिंग ये वो मदर इन लॉ को ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरों के घर में देख देख करके आती थी और उन्हें लगता था कि हमारे यहाँ पे ये भी नहीं करवाया, हमारे ये भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया, तो मुझे उस समय यह समझ नहीं थी कि मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं। मैं कहती मम्मी लकड़ी तो फालतू ही वेस्ट हो रही है, अपन इतने पेड़ काटते हैं, अपने को जरूरत तो है नहीं क्योंकि लोग खुश रहेंगे इसीलिए अपने को ये सब करवाना है। मतलब मेरे अंदर ना भैया द्वंद चलता रहता था, मैं कह तो देती थी कि नहीं जरूरत नहीं है, पर मुझे फिर यूं लगता था कि मैं इन लोगों की इच्छा को खत्म कर रही हूँ या इनके साथ गलत कर रही हूँ। और कभी कभी क्या करती थी भैया, इम्बैलेंस हो जाती थी, जैसे कोई शादी आ गई अब बच्चों की खरीदारी करनी है तो मैं अनाप शनाप, मतलब क्योंकि मुझे खरीदारी से बहुत एलर्जी हो, मैं बीमार सी हो जाती हूँ, मुझे मार्केट जाना हो या मुझे बहुत सारी चीजों को सेलेक्ट करना हो, बार्गेनिंग करना हो, तो मैं मानसिक तौर पर ऐसे हो जाती थी, उनकी इच्छा पूरी करनी है तो मैं पैसों में भी नहीं देखती थी, उनको जो मांगा जो मांगा जो मांगा वो दिला देती थी क्योंकि मुझे समझाना ही नहीं आ रहा था भैया उस समय मैं कैसे समझाऊं इनको। अब जब ये करी मैंने जीवन विद्या की ट्रेनिंग करी भैया दो, उसके बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि बच्चों को भी मैं सही शब्दों में समझा पा रही हूँ और उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ भी आ रही है। गुड़िया की पढ़ाई को लेके भी भैया मुझे ये था कि नहीं इनको सुविधाएं दिलानी, बहुत सारी बुक्स दिला देनी है और ये रेफरेंस बुक्स दिला देनी है, मतलब संग्रह जो था ना भैया तो मुझे समझ नहीं आता था मैं मना कैसे करूं। अब इसके बाद में मेरे बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो गए, द्वंद भी क्लियर हो गए, अब मैं ढंग से समझ करके कि जैसे 25 साल से कटन नहीं बदले थे तो बच्चे कहते मम्मा अब तो बोर हो गए यार देख देख करके, तुझे हम तो पैदा हुए जब से यही देख रहे, देख उनके यहाँ ये बदल दिया, देख उनके यहाँ ऐसा वाला लेकर आए, तो मुझे वो लगता था मैं इनको समझाऊं कैसे। तो भैया थैंक यू टू UHV टीम, अब मुझे बहुत आसान हो गया मेरी जो अपनी नेचर थी उसके साथ सामंजस्य बिठाने में कि संग्रह नहीं करना है या
एकत्रित जो है चीजें उनको कैसे यूज लेना है। पहले दोनों बेटियां अपनी पुरानी चीजें किसी को देनी, पुरानी नहीं बोले तो जैसे कल आपने कहा था कि हम ज्यादा काम में नहीं लेते हैं फिर भी हम रखे रखते हैं और या फिर घिसे बात देना चाहते हैं, तो देने ही नहीं देती थी भैया। मेरा ऐसा था कि अगर एक साड़ी भी मैंने ली है तो पहले एक निकालूंगी, पर ये लोगों को समझाना नहीं आ रहा था मुझे कि बेटा नहीं, अपने को जो नई जरूरत है उनको इकट्ठा करके अलमारी बैग नहीं भरने हैं। अब मैं बहुत आसानी से कोई ना कोई इसमें से रीजन लेकर के मतलब इनमें से जो अपनी स्लाइड्स वगैरह होती है उन पे बेटियों से बात करके समझाती हूँ भैया, और वो एग्री भी कर लेती है कि हाँ ठीक है मम्मा, मतलब अब अपोज नहीं करती है। पहले तो कहती थी मम्मी सबके तो ऐसा होता है, आप ही ज्यादा ज्ञान देते रहते हो, आपको तो है ना पैसा खर्च करने में जोर आता है, या ऐसा मतलब मुझे यो कंफ्यूज रहता था कि मैं वाकई बच्चों के साथ गलत कर रही हूँ क्या, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्या। पर अभी भैया मैं बहुत रिलैक्स हूँ इन चीजों को लेकर। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही बढ़िया। आप कोई वॉलंटियरिंग कर रही है कि नहीं? भैया मुझे ना कुछ आता नहीं है, मतलब मुझे मीडिया का ना फोन वोन मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना इन चीजों में, तो मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, आप वेस्टर्न टीम में आप कर सकती हैं, है ना, जो वेस्टर्न रीजन है। तो अभी आप इसके सेशन के बाद कभी डिस्कस करिए, आपके साथ कुछ तय करेंगे चीजों को। बढ़िया बढ़िया दीदी, थैंक यू भैया जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ भैया, बस एक छोटा सा प्रश्न था। एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और यही सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रस्ताव के तौर पे बच्चों के सामने रख रहा हूँ। तो अभी कल एक बच्चा मेरे पास आया और उसने एक छोटा सा प्रश्न पूछा जिसका शायद जवाब मैं उस समय नहीं दे पाया हूँ। भैया उसका एक प्रश्न था कि उसकी उसकी जो माता थी वो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चा ये कह रहा था कि जब कभी भी मैं कुछ सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसी एक फेज में लौट जाता हूँ और जिसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। हारमोनी की कंडीशन जो है वो उसके मन में बन नहीं पा रही है। तो वो मुझसे ये पूछ रहा था कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। जी, तो इसमें मूल बात यह है कि हमको समझ में आया कि मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है और शरीर सामयिक है, नश्वर है, ये तो सब हम जानते ही है, देखते ही है, है ना। शरीर तो सामयिक है, मैं को समझना शेष है। तो मैं जब समझ में आता दिखता मैं एक चैतन्य इकाई हूँ और जो निरंतर बना रहता हूँ, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग कर रहा था, वो जो साधन है अब नहीं है, तो मैं बना हुआ है, शरीर अब नहीं है। एक समय ऐसा भी था कि मैं ही था, शरीर नहीं था, फिर वो शरीर लिया तो शरीर यात्रा शुरू हो गई। एक समय ऐसा आया कि शरीर यात्रा समाप्त हो गई, और ये होना ही है ना, ये विधिवत प्रकृति के नियम के अनुसार होता ही रहता है। आज भी हो रहा है, अतीत में भी हुआ है, भविष्य में भी होगा, ये हमको नियम समझ में आ जाए प्रकृति का, और इस नियम का जो आधार है सहस्तित्व, तो ये समझ में आ जाए, तो फिर क्या होता है कि इन घटनाओं से मैं फिर प्रभावित नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं के आधार को मैं हर क्षण देखता हूँ और उसके अनुसार मैं योजना बनाता हूँ, उनके अनुसार मैं अपने जीने का कार्यक्रम तय करता हूँ। तो ये बात बच्चे को समझ में आ जाए तो फिर ये दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। अभी वो बात नहीं समझ में आई है ना, तो अभी क्या हुआ, ये जो बात सामने लिखी हुई है ना कि मेरी मूल चाहना निरंतर सुखपूर्वक जीना है, और वो सहस्तित्व के ज्ञान, सहस्तित्व के भाव विचार से ही पूरा होता है। ये ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम सामयिकता में जीते हैं, है ना, और सहस्तित्व के बजाय हम संघर्ष में जीते हैं, और फिर संघर्ष ज्ञान में भी चलता रहता है, परस्परता में भी चलता रहता है, सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम बनता नहीं है। तो ये बच्चे के लिए भी यही बात लागू होती है, हम सबके लिए यही बात लागू होती है, ये बात हमें समझ में आ जाए। जी भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया भैया, तो जो अंडरस्टैंडिंग बनती है HV3 के साथ वो ये कि हम इस बात को अपने आप में देख पाए कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन मात्र है, और मेरी जो मूल चाहना है निरंतर सुख है, जो सहस्तित्व के ज्ञान से, सहस्तित्व के भाव विचार से पूरा होता है। मेरी आवश्यकता मेरे द्वारा ही पूरी होती है, ये एक कोर मैसेज है, एक कोर कंटेंट है, कोर टेक अवे है, की टेक अवे है, है ना, इस पूरे कोर्स का। इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और बार बार इस पे लौट कर आएंगे जी। इसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो
तो हैंड रेज। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। एक प्रश्न था भैया कि हम जो व्यवस्था में बोल रहे हैं जैसे हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस, इसमें क्या मौलिक फर्क है? मतलब सेल्फ और बॉडी भी हम बोलते हैं कि कोएग्जिस्टेंस में है तो दोनों का अस्तित्व है, मगर ये सह अस्तित्व जो बोल रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, इसमें थोड़ी और स्पष्टता। मतलब हम ये बोलना कि ये सह अस्तित्व है, इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए, वो है ही, उसी को देखना भर है। और हार्मनी और सहअस्तित्व को देखें तो जो हार्मनी का आधार है वो सहअस्तित्व है, कोएग्जिस्टेंस है। व्यवस्था का जो आधार है सहअस्तित्व है। तो व्यवस्था कह रहे हैं कि चार प्रकृति की चार अवस्थाओं में जो व्यवस्था है, ठीक है ना, उसके आधार को जब देखते हैं तो दिखता है कि चारों अवस्थाएं शून्य में बनी है, शून्य में ही संपृक्त है और इसी प्रकार व्यवस्थित है। अच्छा, तो उसके मूल को देख पाते हैं, आधार को देख पाते हैं जी। तो वो शून्य में बनी हुई है, ये सह अस्तित्व का मतलब, ये शून्य में बनी हुई है, इसको हम सह अस्तित्व कर रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था का आधार है और जिससे शून्य में बनी हुई है और बनी रहते हुए संपृक्त है। संपृक्त है जी। और तो उसके दिखाई देगा कि पूरा अस्तित्व हमेशा से था, है जी, और हमेशा ही रहेगा जी। अस्तित्व में शून्य है, शून्य में इकाइयां बनी हुई है, इकाइयों के समूह को प्रकृति कह रहे हैं, और जो प्रकृति है वो शून्य में बनी रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, ये हमेशा से था, है और रहेगा, इसी का ज्ञान शेष है। इसका ज्ञान नहीं होता है तो हम सामयिकता में जीते हैं, इसका ज्ञान होता है तो हमारे अंदर समझ, भाव, विचार की निरंतरता होती है जी भैया। और ये परस्पर पूरकता चलती रहती है थ्रू लेन देन या बिहेवियर। परस्पर पूरकता हमेशा से थी, है और रहेगी। उसको मैं बस देख लेता हूँ तो मैं अपने आप पे आराम पाता हूँ, नहीं देखता हूँ तो मैं संघर्ष में होता हूँ, द्वंद में होता हूँ, उलझन में होता हूँ। तो अच्छी बात यह है कि हमें सहअस्तित्व को क्रिएट नहीं करना है, हमें व्यवस्था को क्रिएट नहीं करना है, हमें हार्मनी को क्रिएट नहीं करना है, संगीत को क्रिएट नहीं करना है, है ना। ये जी, हमेशा से था, है और रहेगा, इसको बस देखना भर है। तो मेरी नासमझी इस बात में है कि मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, इससे मैं उससे मिसअलाइन हो गया हूँ, है ना, इसलिए मैं डिसहार्मनी में चला गया हूँ। बस ध्यान देता हूँ तो दिखने लगता है जी। और हमने जी भैया सॉरी, और ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी प्रायोरिटी नहीं बनी है, क्योंकि मुझे इसमें सुख नहीं दिख रहा या सुख नहीं लग रहा, इसलिए नहीं ध्यान दे रहा हूँ। जब इसमें सुख दिखने लगता है तो ध्यान देने लगता हूँ। तो ऐसे देखें तो लगता है काम कठिन है, लंबा है, वैसे अगर हम दूसरी तरफ से देखें, है ना, तो बड़ी सरल सी बात है, सहज सी बात है कि सहजता तो उपलब्ध है, मैं उपलब्ध हूँ, है ना, मैं ही उससे विमुख हो गया हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ध्यान देता हूँ आराम पाता हूँ, नहीं ध्यान देता हूँ परेशान होता हूँ, परेशान होता हूँ, परेशानी से निकलना चाहता हूँ, है ना, परंतु इस बात को नहीं देख पाता हूँ कि इस अस्तित्व को देखने से ही मुझे आराम मिलने वाला है, परेशानी जाने वाली है जी, है ना, बस इतनी ही बात है। बहुत बढ़िया। सो परेशानी हमका इंडिकेटर है कि हम देख नहीं रहे हैं, बस बस इतनी ही बात है। बहुत बढ़िया। और भैया मतलब ये जब हम अपने प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन से वजह से ये देख नहीं पाते तो हम में भाव सही सही होते नहीं है, जब हम देख पाते तो अपने आप सही भाव आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 भैया, धन्यवाद धन्यवाद जी। मेरी आवश्यकता है, मुझे ही पूरी करनी है, मुझ में ही पूरी होनी है, बस मुझे सजग होना है, बट हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, है ना, इसलिए सजग नहीं हो पा रहे। जी भैया जी भैया, आप में व्यस्त हैं, हम सुखी होने के लिए व्यस्त हैं, बट सुखी होने के लिए जो कार्यक्रम है वही नहीं कर रहे, बाकी सब जगह व्यस्त हैं जी। तो ये हम में से हर मानव के साथ यही कठिनाई है, इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि व्यस्त हैं कि अस्त व्यस्त हैं, तो निकल के आता है अस्त व्यस्त है। जी भैया धन्यवाद। बढ़िया भैया। हाँ जी भैया नमस्ते। जी 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 भैया, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। और ये बात जब देखने जाते हैं कि भाई व्यवस्था तो सब कुछ बनी ही हुई है,
अस्तित्व में सब कुछ है ही और मैं ही है जो नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये बात जैसे ही क्लिक करती है कि खुद में बहुत सहजता आने लगती है और अपने में बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और अभी जितना भी फिर ये जो संघर्ष है या बाहर ये जो सब दिख रहा है, तो फिर मानव कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ ना समझी कर रहा है, ये भी दिखने लगता है। तो बहुत बढ़िया चर्चा भैया, इतना ही मैं कहूंगा। बढ़िया भैया जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया ये जो UHB 2 और UHB 3 का जो था, तो उसमें प्रोग्राम और पर्पस और प्रोग्राम ये जो दोनों है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते कि हमारा उसमें तो फैमिली वगैरह का था, फैमिली रिलेशनशिप और इसमें वो वाला स्लाइड जो था पीछे का। जी जी, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जी जी, तो पर्पस हमारी चाहना क्या है? तो पहले चाहना स्पष्ट नहीं थी UHB 2 से पहले या UHB 1 से पहले, है ना। वो फिर ध्यान में आता है कि भाई सुखी होना चाहते हैं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं और समृद्ध भी होना चाहते हैं। जी। फिर जब दोनों ही को ठीक से बारीकी से एक्सप्लोर करते हैं, तो दिखता है कि जो समृद्धि का भाव है वो तो सुख के ही भाव का भाग है। एक तो ये हमारा पर्पज हमको स्पष्ट होता है। प्रोग्राम में भी पहले ये बात निकल कर आई कि हारमोनी में जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान अभी एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे ज्यादा था, तो हमने वहां से बात शुरू की भाई फैमिली में हारमोनी। आप देखेंगे कि UHB 2 के या UHB 1 के वर्कशॉप में हम बहुत मोटिवेट होते हैं जब ट्रस्ट की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है जी। फैमिली में हारमोनी की बात होती है ना, क्योंकि अभी हम कई जगहों पे वहां पे उलझे रहते हैं, तो हमें उससे बहुत सारा आराम भी मिलता है। सोसाइटी में हारमोनी की बात होती है। अब उसके एसेंस पे बात कर रहे हैं कि मुझ में भी हारमोनी का मतलब क्या है, फैमिली में हारमोनी का मतलब क्या है, सोसाइटी में हारमोनी का मतलब क्या है, नेचर में हारमोनी का मतलब क्या है। तो दिखता है ये जो भी जीने के स्तर हैं, यहाँ जो हारमोनी है वो एसेंशियली सहअस्तित्व का ही प्रकटन है, उसी का एक्सप्रेशन है। तो अगर सहअस्तित्व दिख जाए, समझ में आ जाए, तो जीने में अपने आप हारमोनी सुनिश्चित हो जाती है। तो उसको और थोड़ा है ना टेपर डाउन किया और थोड़ा सा बारीक किया और उसके गहराई में गए, तो दिखता है कि मूल मुद्दा तो सहअस्तित्व का है। सहअस्तित्व दिखता है तो हारमोनी पूरी तरह से समझ में आती है। बट अभी तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम खड़े हैं ना। तो हम जहां भी खड़े हैं, कल्पनाशीलता में जी रहे हैं, उससे आगे बढ़कर भाव पे ध्यान दिया, उससे आगे बढ़कर व्यवस्था पे ध्यान दिया, फिर उससे आगे बढ़कर सहअस्तित्व पे ध्यान दिया। और जब सहअस्तित्व दिखा कि अभी तक जिन जिन चीजों पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे थे वो सब इसी का तो प्रकटन है। इतनी ही तो बात है, मूल बात तो यही है जी। भैया जैसे पर्पस में UHB 2 में था कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज टू बी इन ए स्टेट ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो हमारा मूल मुद्दा आप कोएग्जिस्टेंस का आ गया है क्या, उस पर फोकस करना। जी जी जी। अच्छा, ये जो की टेक अवे है UHB 3 का, है ना। तो की टेक अवे UHB 2 का देखें तो हारमोनी जी, समझने का और जीने का प्रयास कर रहे थे जी। अब से थोड़ा और आगे बढ़े तो दिखता है कि हारमोनी कोएग्जिस्टेंस का ही एक्सप्रेशन है। तो जो की टेक अवे है इस पूरे कोर्स का, वो कोएग्जिस्टेंस है, जिसको हमको समझना देखना शेष है। अच्छा अच्छा। ये जो प्रोग्राम है, तो पहले ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस, ये जो ऑल 4 लेवल्स हैं, तो उसी को अब सारा को एक साथ मर्ज करते हुए हमको लिव इन कोएग्जिस्टेंस का इसमें UHB 3 में करना है, मतलब उससे थोड़ा अपर लेवल पे जाना है। यही जी भैया, बहुत बहुत आभार, क्लियर हुआ। बढ़िया भैया जी। जी नमस्ते भैया। नमस्ते सभी। नमस्ते भैया। जो से अस्तित्व की जैसे स्थिति में जब टिकते हैं, तो मेरा इसमें एक प्रश्न बन रहा है कि जैसे UHB 2 में जैसे समझाया गया कि भाव से अपने कोई संबंधी को या व्यवस्था में जाके अपने भागीदारी करी, उस टाइम समझ नहीं बनी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे घटना घटी तो आपको समझ आई, तो आप समझ पूर्वक करते हो उस चीज को। पर भैया जैसे UHB 3 में जब मैं आई हूँ, तो इसमें अब शिफ्ट होने पे ये चीज दिख रहा है कि सहअस्तित्व जब हम टिकते हैं
और उस चीज को जब भागीदारी करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद जैसे ये फील होता है भैया कि जैसे वो व्यक्ति हमें जानते ही नहीं है, मतलब फिर से कैसा आता है कि भाव की वो पहचानते ही नहीं है, इग्नोर करते हम लोग, तो फिर लगता है कि आवाज कट जा रही है आपकी, वो जैसे लगता है कि मतलब कुछ समय बाद या मिलते या वो काम निकलते ही जैसे ऐसे लगता है कि वो मुझे जानते ही नहीं है या मैं उसको जानते ही नहीं हूँ, ऐसे जैसे एक भाव बनने लगता है और वो दिखता भी है साफ साफ। तो भैया इसमें ये लगता है कि फिर कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, और जो भागीदारी करी क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करते तो हमारी सो उन्नति जैसे लगता है कि हमारी गति रुक जाती है, और करे तो उसको फिर कैसे भैया, इसमें मुझे थोड़ा सा आपसे तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा था। तो आपका जो प्रश्न है वो संबंध के निर्वाह से जुड़ा हुआ है, तो अभी ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि एचपी से पहले क्या स्थिति थी, तो अगला व्यक्ति अभी वहीं फंसा हुआ है, तो उसके लक्ष्य में सुविधा संग्रह बना हुआ है और योजना कार्यक्रम में उसी के अर्थ में वो सारा व्यवहार कार्य अगर निश्चित कर रहा है तो उसके आचरण में इस तरह की अनिश्चितता दिखाई देगी। तो हम पहले से इस बात को देख पाते हैं कि जब तक मनुष्य इस पूरे प्रोसेस से गुजरता नहीं है, एक्सप्लोर करता नहीं है, उसको यहाँ सब बातें कहाँ से समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएंगी, तो व्यक्ति उलझा हुआ है ना, भ्रम में है, तो उस स्थिति में रहते हुए वो नासमझी करेगा ही, है ना, उसके आचरण में उलटफेर लगा ही रहेगा। तो इस बात को हम पहले से देख पाते हैं, हम अपना भी मूल्यांकन ठीक कर पाते हैं, अगर हम भी इस चीज को ना देख पा रहे हो तो हम भी कहीं उलझे रहते हैं। तो जब कोई परिस्थिति अनुकूल बनती है तो हम आशान्वित हो जाते हैं अगले व्यक्ति के प्रति, फिर परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो हमारी आशा नहीं पूरी होती, फिर हमको उसका दुख भी होता है। तो हम पहले से इस बात को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने में ही तो हमको ज्ञान हो पाता है, अगर कोई इस प्रक्रिया में अभी आया ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, जिसके साथ वो अनिश्चितताएं बनी रहेंगी उसके साथ, उस बात को हम पहले से स्वीकार पाते हैं। जी भैया ये तो मेरी पहले की गति जो इसी में थी, लेकिन भैया देखते देखते इस चीज को, यही प्री कंडीशनिंग को मैं एनालाइज कर रही थी 2 दिन से, तो देखते देखते भैया से अस्तित्व जैसे मैं टिक गई, जैसे वो शून्य की व्यवस्था में जब मैं टिकने लगी तो मुझे लगा कि वहां तो मतलब जैसे ऐसे लगा कि कोई समय की लिमिटेशन नहीं है, कोई वस्तु की मतलब आवश्यकता ही नहीं, जैसे उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे आने का भी जैसे एक हो रहा था कि मुझे आना ही नहीं, अभी बैठना है, अभी इसी चीज को अनुभव करना है। और उसमें फिर भैया इतनी इतनी मतलब साइलेंस के साथ जैसे कॉन्वर्सेशन चलती है, तो उसकी जैसे आप बोलते हैं ना कि एसेंस में जाना है, उसके अर्थ में जाना है, वो अर्थ जब दिखने लगते तो फिर यही फिर लगता है कि नहीं, अपनी तो जो स्वभाव है वो तो हमें करना है, लेकिन जो दूसरे की स्वभाव हमें ऐसे दिखता है और हम डिस्टर्ब होते हैं तो उसमें हमें उसको मतलब समझ के ही चलना है, क्योंकि जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि वो तो अभी इन चीज को समझे ही नहीं है, तो उनकी तो वो गलती हम निकाल नहीं सकते, तो खुद को ही उसमें समझ बना के कैसे चलना है। तो भैया इस चीज को मैं देख रही थी, और भैया इतनी माहिरता से वो मतलब जैसे अर्थ अर्थ अर्थ, ये इसका मतलब ये अर्थ है, इसका मतलब ये अर्थ है, वो जैसे अर्थ अर्थ में जा रही थी हर चीज में, और शब्दों में बहुत कम शब्दों में जैसे टिकते जा रही थी, कि जैसे एक ही मेरा शब्द भैया वहां गूंज रहा था कि परम सत्य को प्राप्त है, जैसे इस चीज को मैं बार बार वो मेरे एकदम से अंदर पक्का हो गया, तो मुझे इस चीज का बहुत अनुभूति बहुत अच्छी लग रही थी भैया, और यही मुझे शेयरिंग रखनी थी, बहुत सारी बातें थी पर अभी मैं इतनी ही रखना चाहती हूँ। बढ़िया बढ़िया दीदी जी, नमस्ते भैया। एक मेरा तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन ग्रेजुएट 2 और अभी जो मैं कर रही हूँ, एक चीज तो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे पहले जिस बात पे मुझे मतलब मैं इरिटेट हो जाती थी, अब थोड़ा सा मैं शांत रहती हूँ। पर एक चीज मेरी बेटी है 10th में है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मैं उससे बात करती हूँ वैसे तो वो मेरे से सही से बात करती है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात आती है तो मतलब मैं उसको कुछ कहती हूँ तो वो जैसे अपोजिशन में रहती है, ये मैं मतलब मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे से अपोजिशन में है, और मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ या उसके समझने में कुछ दिक्कत है या मेरे समझने में कुछ दिक्कत है, मैं उसको समझा भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो भैया इसमें कुछ कहाँ मतलब मैं कहाँ लैक कर रही हूँ भैया? किस क्लास में पढ़ रही है बच्ची अपनी? 10th में है भैया। बोर्ड एग्जाम अगले साल है किसी साल है? हाँ जी भैया। नहीं इस साल है अगले साल है?
अगले साल भैया। हाँ तो बच्ची को आप कह सकती हैं कि ऑनलाइन जो वर्कशॉप होते हैं उसमें वो शामिल हो जाए कभी, है ना, स्टूडेंट्स के लिए भी हुआ करता है। हाँ भैया वो सुनती भी है क्योंकि मैं स्पीकर पे ऑन करके जैसे मतलब लगा के रखती हूँ, वो सुनती भी है। और मतलब पता नहीं मुझे लग रहा है या मैं उसको समझा नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर ही कुछ मतलब वो है, कमी है, मैं वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं उसको कैसे समझाऊं। हाँ तो ये काम तो है कि पहले तो आप लिखने का जो काम है ये ठीक से सुनिश्चित हो, है ना, क्योंकि तब आपकी तरफ से जो चूक हो रहा है भाव विचार में या व्यवहार में वो ठीक हो, ठीक है। और अगर बच्ची पहले से ही प्रस्ताव को सुनने के लिए तत्पर है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप उनको पूरा सुनने दीजिए, फिर आपस में बैठ के आप लोग डायलॉग कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, है ना, और खुले रहिए कि हाँ जहाँ मेरी गलती है मुझे अपने आप को ठीक करना है, अगला व्यक्ति स्वीकारे ना स्वीकारे, जहाँ मेरी गलती उसको तो मुझे ठीक करना ही है। देखते हो भैया, मैंने कोशिश तो कर रही हूँ पर वही है कि वो पता नहीं कहीं लैक हो रहा है, देखती हूँ फिर से और एक बार ट्राई करती हूँ, मैं फिर से देखती हूँ कोशिश करके समझाने की। जी बढ़िया, मैं ना खुद ही उलझ जाती हूँ भैया, मतलब मैं डिसहार्मनी में चली जाती हूँ, मतलब उसका ये बिहेवियर देख के ना मेरे अंदर जो मतलब मैं जैसे काम रहना चाहती हूँ, मतलब गुस्सा तो नहीं आता लेकिन मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मतलब ऐसे। जी जी, आपने UHV2 वर्कशॉप कर लिया है? हाँ जी भैया, मैंने दोनों किया हुआ है और मैं उसमें भी हूँ ST में, तो वहाँ पे भी सुनती रहती हूँ भैया। पर वही है कि एक, हाँ तो वही है कि एक मतलब या तो कुछ गैप है हम दोनों के बीच में जो मैं समझ नहीं पा रही। हाँ पहले बेटी को एक तो एनकरेज करिए कि पूरा वर्कशॉप एक बार अटेंड कर ले, होता क्या है कि बच्चों का एक विजन बनता है लाइफ में इस स्टेज पे 10th 12th पे आते आने के साथ, है ना, फिर वो अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट करते हैं, और उसमें खास तौर पे यदि मान लीजिए परिवार से वो समाधान नहीं मिल पा रहा तो वो दोस्तों से मित्रों से या बाहर के वातावरण से इन चीज़ों को तय करते हैं और उसका प्रभाव बना रहता है। तो अगर उसका आकलन नहीं हो पा रहा और हम भी उसमें सहयोग नहीं कर पा रहे तो फिर ये जो व्यवहार के मुद्दे हैं कभी रिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि विजन ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपका विजन हो कि भाई हमें घर परिवार के साथ मिलकर रहना है, बच्चे का विजन बन गया कि पढ़ लिख के विदेश जाना है, ठीक, अब उसमें आप जितनी भी चीजों को आप है ना रिजॉल्व करने जाएंगे तो आप हो सकता है एक तरफ देख रहे हैं दूसरा की दूसरी तरफ देख रहा है, आप दृश्य को एक प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो दृश्य को दूसरी प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें सामंजस्य बैठेगा ही नहीं। तो कम से कम विजन में तो कुछ कॉमनैलिटी हो, विजन तो समान बने। हाँ हाँ ये बात तो है भैया। जी धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी जी, तो दो बातें यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, एक तो कि जो समृद्धि के भाव की आवश्यकता है वो निरंतर सुख के भाव का ही एक भाग है ना, इसमें वो शामिल है। दूसरा, जो हम म्यूचुअल रिलेशन में चाहे मानव के साथ हो या शेष प्रकृति के साथ हो व्यवहार और कार्य करते हुए जो हम एक्सप्रेशन करते हैं, ये शास्त्रत्व के ज्ञान, शास्त्रत्व के भाव, शास्त्रत्व के विचार का ही एक सहज रूप से प्रकटन है। तो दो बातें, एक तो ये कि समृद्धि का जो भाव है वो निरंतर सुख के भाव का एक भाग है, दूसरा ये जो हार्मनी है उसके आधार में सहस्तित्व है। तो सहस्तित्व का ज्ञान होता है, सहस्तित्व का ही भाव विचार होता है, तो हमारे स्वयं में हार्मनी होती है, वही हार्मनी रिफ्लेक्ट होती है हमारे व्यवहार में, कार्य में, परस्परता में, भागीदारी में, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी UHV3 से। तो मैं एक प्रश्न लेता हूँ। हेलो जी भैया जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक चीज थी कि मेरा भी प्रश्न जो है वो व्यवहार से ही रिलेटेड है, और मैं बहुत परेशान होती हूँ अपने आप में, कोशिश करने लगी हूँ आजकल, खैर ये सुन के कि मुझे अपने पे ही काम करना है, फिर भी जैसे घर में मैं रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड है वो जब मोबाइल पे सुबह से जाते हैं काम पे और रात को आते हैं और फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने मन के जो जिसको कहा जा रहा है कि मनोरंजन जो है वो एक मानसिक बेरोजगारी है या अपने मन को ही रंजित करते रहते हैं, तो जब हर व्यक्ति मोबाइल के साथ बैठता है और अपनी चीजें देखता रहता है तो मुझे लगता है हम लोग बैठ के बात क्यों नहीं कर पाते, इतना मोबाइल से
एडिक्टेड क्यों है और इसी में अपना मजा क्यों ढूंढ रहे हैं, और सबको जब देखती हूँ तो मैं ऐसे सहन नहीं होता, परेशान होती हूँ कि और फिर मुझे भी लगता है ठीक है हम भी इसी तरह बाहर या तो बाहर गप्पे मारने चले जाते हैं या बाहर चीजें या कुछ, पर ये मोबाइल वाला जो चक्कर है मुझे बहुत परेशान करता है। इसका कारण तो बहुत सिंपल है कि आपस में बातचीत करने से मन को रंजित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हमको कोई और स्रोत चाहिए। तो अगर आपस में हार्मोनियसली बातचीत होने लगे है ना, तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होता यह है कि अगर हम समझ के लिए काम ना करें, हमें समझ सुनिश्चित ना हो, तो जैसे ही हम संवाद करने जाते हैं वो विवाद का रूप ले लेता है, संबंध जो है संघर्ष का रूप ले लेता है। तो आदमी क्या करे, फिर आदमी कोई दूसरा विकल्प सोचता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि कैसे हमारे संबंध का निर्वाह हमारी तरफ से तो परस्पर पूरक हो, और दूसरी बात कि अगले व्यक्ति में भी समझने की प्रवृत्ति विकसित हो पाए। अगर प्रवृत्ति है तो समझने की वस्तु मिल पाए, अगर वस्तु मिल गई है तो उसमें और गाढ़ापन आ जाए, समझ में आ जाए, है ना। यही कुल करने काम है। तो हम वही करते हैं जहां पे हमें सुख लगता है कि नहीं, तो अगर हमें सुख का स्रोत दिखाई देने लगे तो हम वहीं पे काम करेंगे, वहीं पे समय लगाएंगे। अभी संबंध के निर्वाह में सुख नहीं मिल रहा तो हम कोई अन्य साधन से अपने आप को सुखी करने में लगे हुए हैं। अभी अपने भाव विचार से सुख नहीं लग रहा तो हम कोई और स्रोत ढूंढ कर उससे सुखी होने में लगे हुए हैं। तो जो सुख का निरंतर स्रोत है हमको दिख जाए तो हम वहीं समय लगाएंगे, नहीं दिखता तो हम कहीं अन्य जगह समय लगाते हैं कि नहीं। पर मुझे यहाँ अभी समाधान में मतलब मेरे पास हो नहीं रहा है वो चीजें। अब मैं देखती हूँ कैसे ये मेरे, मैं खुद अपने आप पे काम करके इस चीजों को लेके आती। जी आप हर सुबह तो जुड़ पा रही है ना सुबह के सत्र में? हाँ हाँ रोज ही। तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन और आगे बढ़ेगा तो इस तरह के इश्यूज पे हमको अपना मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलेगा, है ना। और उसके साथ हमको आगे क्या योजना कार्यक्रम बनाना है, हमको कैसे अपने ऊपर और बारीकी से काम करना है, वो बात और स्पष्ट होगी। और आप पाएंगे उसका एक प्रकटन है, नेचुरल एक्सप्रेशन है हमारा व्यवहार। जैसे हम अपने आप में शांत है तो शांत होकर व्यवहार करेंगे, अगर हम अपने आप में भाव से ही उग्र हो गए हैं बैठे बैठे, विचार से ही उग्र होते जा रहे हैं, तो फिर जैसे अगला व्यक्ति सामने आता है हमारा व्यवहार उग्र हो जाता है। अब हमें ये नहीं दिख रहा, हमें तो दिख रहा है कि भाई हम जहाँ थे जैसी स्थिति में थे उसको हमने प्रकट किया, अगले को क्या प्रॉब्लम है, बट अगले को तो हमारा उग्र व्यवहार ही दिख रहा है। यही बात दूसरे के लिए भी लागू होती है। तो हम अपने भाव से, ये जो बात हो रही है ना कि मैं की आवश्यकता निरंतर सुख और मैं के ही समझ भाव विचार से पूरा होना है, ये स्थिति आने में समय लग सकता है हमें भी दूसरे को भी। परंतु जब तक स्थिति आती नहीं है हम एक दूसरे के व्यवहार पर निर्भर रहते हैं सुख के लिए, वो पूरा होता नहीं है। तो भाई जब मानव के साथ पूरा नहीं होता, शेष प्रकृति के साथ समय लगाते हैं, मोबाइल पे समय लगाते हैं, टीवी पे समय लगाते हैं, किताबों में समय लगाते हैं। यही वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि ह्यूमन बीइंग के साथ ही व्यवहार वाला जो मामला है वो, इसीलिए बाहर जाती सारी चीजें कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आना बड़ा मुश्किल सा दिखता है ऐसा। जी उसी के लिए तो सारा कार्यक्रम बनाया जा रहा है ना, उसी के लिए तो हम लोग रोज समय लगा रहे हैं, दिन में भी समय लगा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी कह सकते हैं और सबकी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, इसमें आपका कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है ये। हाँ मतलब सभी बस अपने अपने नजरिए और पर्सपेक्टिव अलग अलग करके बात करते हैं, जबकि अब आप अस्तित्व और सह अस्तित्व में देखा जाए तो हमारे को सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी। जी 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 ठीक है। तो थैंक यू सर। एक और शिफ्ट की बात करें है ना, तो पहला शिफ्ट हमें मिला जिसको UHV2 से हमने रेफर किया, UHV2 से हमें क्या शिफ्ट मिला। फिर दूसरे शिफ्ट की बात की हमने UHV3 को रखकर, और उसमें हमने मानव को केंद्र में रखकर चर्चा की। अब एक तीसरे शिफ्ट की बात हो रही है। अभी तीसरे शिफ्ट को अगर देखें, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे मॉड्यूल 4 में, चौथे मॉड्यूल में, कि अस्तित्व के होने में सह अस्तित्व केंद्र में है ना, तो पूरा अस्तित्व सहस्तित्व पूर्वक है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि मुझे सहस्तित्व का ज्ञान होना है, मुझे हार्मनी व्यवस्था का बोध होना है, संबंध का चिंतन होना है, यानी मुझे सहस्तित्व समझ में आ जाए, व्यवस्था समझ में आ जाए, संबंध समझ में आ जाए, इसके आधार पर मेरा भाव विचार सहस्तित्व पूर्ण हो
अस्तित्व पूर्ण हो, व्यवस्था पूर्ण हो, संबंध पूर्ण हो स्वयं में, जिससे मैं अपने आप में निरंतर सुख में बना रहूं। तो ये जो अगला शिफ्ट है ना, तो मानव के होने मैं केंद्र में हूँ, मेरे होने में भी मेरे सुख के केंद्र में अस्तित्व का ज्ञान भाव विचार है, तो हम समेट कर अपने आप में बारीकी से देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर ये भी दिखता है अपने को कि अब इस पूरे आधार पर अगर हम देखें तो अस्तित्व पूर्वक जीना, संबंध पूर्वक जीना, व्यवस्था पूर्वक जीना, यही आचरण के केंद्र में है। तो बात बहुत छोटी है वैसे देखें, अस्तित्व इतने ही से बात पूरी निकल कर आ रही है, परंतु इसी के फैलाव के अर्थ में, इसी के प्रकटन में हम लोग अभी पूरी बात करने वाले हैं। जो भी आगे का हम 3-4 महीने का समय लगाने वाले हैं, इसमें हम बार बार लौट कर आएंगे। तो इसमें कोई भी अगर शब्द स्पष्ट ना हो, कोई भी अगर वस्तु को समझने में कठिनाई हो, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, परंतु हम लोग लौट लौट के इस बात पे आने वाले हैं। ये तीसरा शिफ्ट है। तो पहला शिफ्ट मिला कि हमने मानव को शरीर न मानकर मानव को मैं और शरीर के अस्तित्व को रूप में देखना शुरू किया। दूसरा शिफ्ट मिला जब हमने मानव में इस बात को देखा कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ। अब तीसरा शिफ्ट यह है कि मैं देख पाऊं कि अस्तित्व के होने में अस्तित्व केंद्र में है, उसी के प्रकटन के रूप में मानव भी है, उसी के प्रकटन के रूप में शेष प्रकृति भी है, उसी के प्रकटन रूप में व्यवस्था बनी हुई है, उसी के प्रकटन के रूप में संबंध बना हुआ है, और मेरा आचरण भी अगर उसके प्रकटन के अर्थ में है तो मानवीयतापूर्ण आचरण है, अगर अन्यथा है तो अमानवीय है। तो बहुत सारी बातें हो गई बहुत ही संक्षेप में, परंतु इसको ही अब हम लोग ओपन अप करने वाले हैं, इसको ही अब हम लोग खोल खोल कर एक तरह से चैप्टर बाय चैप्टर बात करने वाले हैं, है ना, विस्तार करने वाले हैं। आगे की जितनी चर्चा होगी धीरे धीरे इसी का एक्सप्रेशन होगा वो। तो होमवर्क के रूप में देखें, तो आज इतनी बात हुई तो उसको ध्यान में रखकर हम ये देख सकते हैं कि UHV 2 को अटेंड करने के बाद से आप एक रेगुलर बेसिस पे अपने आप में सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और उससे क्या आउटकम निकला है। तो जो साथी अपने पुराने बैचेज में भी जुड़े हुए थे, मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे थे, तो उनको तो एक उस पर एड ऑन मिला है कि उन्होंने अभ्यास 1 और अभ्यास 2 भी किया है, तो बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं जिसको आप सभी साथियों ने, जो भी पिछले बैच में थे और उसके पिछले बैच में थे, आपने शेयरिंग भी की है, है ना, तो उसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। बट 3 स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, तो 3 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, आपको अगर लगता है कि ढेर सारा अचीवमेंट्स है तो उसको लिख सकते हैं। वैसे हम लोग जो अभी तक असाइनमेंट लेते रहे, तो ये असाइनमेंट एक तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट ही करेगा, उसी को एनरिच करेगा। और UHV 2 को अटेंड करने से आपको क्या क्या मूल मुद्दे ध्यान में आए, है ना, उसको अपने आप में नोट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ये होमवर्क रहेगा लेक्चर 1 के आधार पर, लेक्चर 2 के आधार पर जी। तो ये आज के लिए असाइनमेंट भी बनेगा। भैया आप पिछली स्लाइड लगा दीजिएगा जी। इतनी बात को लेके यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ हैंड्स रेज हैं जी। नमस्ते भैया, मेरा इसलिए एक प्रश्न है कि जैसे हमने अभी हम जान रहे हैं कि कोएग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू एग्जिस्टेंस, तो कोएग्जिस्टेंस और डिपेंडेंसी इसमें फर्क है? हाँ, जैसे अगर हम देखते हैं कि घरों में भी या जैसे वर्क प्लेस पे भी अगर कोई ज्यादा अपने रोल को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर रहा है तो दूसरे लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें और आइडेंटिफाई करें? तो ये हमको देखना होगा कि अगर व्यक्ति कहीं सुविधा से ही सुख लेने में लगा हुआ है और हम उसको सुविधा उपलब्ध कराने लगते हैं तो डिपेंडेंट हो जाता है, या दूसरे से भाव पाकर सुखी होने में लगा हुआ है और हम भाव उपलब्ध कराने लगते हैं तो डिपेंडेंट हो जाता है। तो किसी रूप में तो ये हमको दूसरे से कनेक्ट होने देता है, परंतु जब ये डिपेंडेंस एक संस्कार का रूप ले लेता है, मान्यता का रूप ले लेता है, तो फिर कठिनाई होती है। तो हमको ये ध्यान में आए कि सुविधा तो दूसरे को उपलब्ध कराना परिवार में आवश्यक है, ठीक बात है, संबंध में सही भाव उपलब्ध कराना भी तो आवश्यक है, ये भी सही बात है, परंतु समझ भी उपलब्ध कराना है, कई बार ये हमारे अपने कार्यक्रम से हट जाता है। तो हम दूसरे को सुविधा उपलब्ध कराएं, ठीक बात है, संबंध में अच्छे भाव से प्रस्तुत हो, ये भी ठीक बात है, परंतु समझ के लिए भी कार्यक्रम बनाए,
ये अगर छूट गया तो फिर दूसरा व्यक्ति डिपेंडेंट होगा और फिर उसके बाद हमको शोषण जैसे लगने लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है फिर, है ना, सुविधा के लिए या संबंध में सही भाव पाने के लिए, तो फिर वहां पे हम परेशान होते हैं। और ऐसा नहीं कि इसको करके दूसरा व्यक्ति आराम पा रहा है, दूसरा भी परेशान होता है। तो समझ के लिए कार्यक्रम बनाना परिवार में बहुत जरूरी है। वो अगर हम ओमिट कर दें, वो हमारे ध्यान में ना रहे, तो ये कठिनाइयां आएंगी। जी, मतलब कि हमें अब जैसे वो दीदी ने भी बताया कि बेटी 10th में है, या जैसे भी घरों में हम देखते हैं तो पेरेंट्स अपनी समझ के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, बट उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। बट पेरेंट्स को लगता है ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, समझ के लिए भी। तो उस चीज के अंदर ये कोएग्जिस्टेंस को कैसे लाया जाए, डिपेंडेंसी, मतलब उनकी अपनी समझ का लेवल है और वो अपने स्पीड पे या अपनी अपनी समझ कुछ नहीं होती है, समझ निश्चित है, अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो वो अपनी समझ से चल रहे हैं, हम अपनी समझ से चल रहे हैं। ये आमतौर पर परिवारों में जब संवाद होता है तो उसमें कठिनाई आती है कि तुम्हारी समझ से ये ठीक है, मेरी समझ से ये ठीक है। भाई समझ मेरी या तुम्हारी नहीं होती, समझ तो निश्चित है, आपका मेरा विचार हो सकता है, ठीक। अब वो विचार को हम जांचे नहीं, जी कर देखे नहीं, तो फिर उसमें वेरिएशन रहेगा ही। तो हम अपने आप में भी स्पष्ट कर लें कि पेरेंट्स की अपनी समझ होती है, बच्चों की अपनी समझ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है दोनों में ही समझ नहीं है, दोनों अपने अपने मान्यताओं से जी रहे हैं और इससे टकरा रहे हैं। तो समझ हम किस चीज को कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने बोला ना समझ, हमने लिखा आपके, अरे इतनी देर से तुम लोग उसी बात कर रहे हैं कि सहस्तित्व की समझ होना, व्यवस्था की समझ होना, संबंध की समझ होना, ये समझ है। मतलब कि ये समझ, बट वो उनके थॉट्स में और बिहेवियर में डिफरेंट है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। हाँ, समझ में नहीं कॉन्फ्लिक्ट है, थॉट में कॉन्फ्लिक्ट है। पहले अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट है थॉट्स में, तब भी वो बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। अनमोल जी कह रहे हैं कि ये हर एक के साथ है, हर एक परिवार में। जी कह रहे हैं ये इनका भी प्रश्न है। जी का प्रश्न, कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं उसको ब्रीफली रिस्पॉन्ड करता हूँ कि लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस देखें तो संबंध के स्तर पे हम सजग हुए, स्पष्टता हुई कि नहीं, व्यवस्था की स्पष्टता हुई कि नहीं, सहस्तित्व की स्पष्टता हुई कि नहीं, ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो हमारा कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट किस स्तर तक हुआ है ना, ये हम अपने आप में देख सकते हैं। हेलो, नमस्ते, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। बस यही दाद देने के लिए कहा, बहुत दाद देता हूँ मैं आपकी। जैसे आपका सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कोई किताब पढ़ रहे, जो कि कई बार एडिट हो चुकी है, बहुत ही तर्कसंगत और बिल्कुल फंडामेंटल का जो ग्रास्प है बिल्कुल सॉलिड। मतलब मैं पता नहीं कैसे दाद दूँ, बस लेकिन कहना जरूर चाहता था कि मैं दाद देना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा, सुनता हूँ मैं आपका, ये जो ऐसा लगता है कोई किताब पढ़ रहे हैं जो कि कई बार एडिट हो चुकी है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। कुमार जी बहुत बढ़िया, बढ़िया भैया। हाँ भैया नमस्कार। जी नमस्ते भैया। बार बार एक ही बात आ रही है कि को एग्जिस्टेंस को देखना, को एग्जिस्टेंस को देखने से ही सब चीज क्लियर होगी। तो को एग्जिस्टेंस को देखना का क्या मतलब है? क्या शून्य को देखना तो को एग्जिस्टेंस को देखना होता है? इसी पे तो पूरा कोर्स है। तो हम लोग जितने भी आगे बात करने वाले हैं कि कोएग्जिस्टेंस को किस प्रकार से देखते हैं, है ना, और देखते हैं तो क्या दिखता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। संक्षेप में रखें तो दिखता है कि शून्य है, शून्य में इकाइयां बनी हुई हैं, इकाइयां शून्य बनी रहते हुए ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। इसी को देख पाना कोएग्जिस्टेंस को देखना है। ठीक है भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। अभी जो शेयरिंग चल रही थी उसी संदर्भ में मेरी भी कुछ अपनी शेयरिंग थी, मैं बस वही करना चाह रही थी। मेरी एज नियर अबाउट 50 है, तो मैं अभी जीवन विद्या से पिछले 4 साल से ही जुड़ी हूँ, और तभी मुझे मिली तो मुझे बहुत अब एक रिलैक्स फील होने लग गया है कि भले ही मैं बहुत समझी हूँ ये नहीं है, पर मैं सही पाथ पे खड़ी हो गई हूँ और अब ग्रोथ है ये दिखने लग गया है। भले कितना समय लगेगा वो एक अलग बात है, पर सही दिशा मिल गई है ये बहुत अच्छा लग रहा है।
और फिर दीदी जी ने जैसे बोला कि बच्चों के साथ जो है, तो वो मेरा भी एक मतलब एक थाई कंसर्न। मैं इतनी मतलब शादी के बाद इतने 25 साल मैंने क्या किया, यदि ये सोचती हूँ तो मुझे यही लगता है कि सिर्फ दो बच्चों की परवरिश की और जिंदगी तो उसमें डाल दी, पर खुद को भी ऐसा एकदम सेटिस्फाइड थी वैसा नहीं लगता था। पर अभी मैं जो ये करने से मेरी मेरी शुरुआत होने से मेरी बेटी तक ये चीज पहुंच गई और वो भी इस पाथ पे जर्नी में मतलब वो भी करने लगी जीवन विद्या और ये एक अच्छा हो रहा है अभी जो मैंने हमारे बीच चेंजेस देखे कि हम दोनों एक ही पाथ पे खड़े हैं, इसलिए हम हमारे बीच में संवाद होने लग गया है। विवाद पहले होता था, ऐसा नहीं है, पहले भी होता नहीं था कुछ विवाद, पर डिफरेंस तो था जिसे हम जनरेशन गैप बोलकर सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं और बोलते ये तो होने ही वाला है, ये तो नेचुरल है, एज डिफरेंस है तो जनरेशन गैप है ही, इट्स ओके। पर मैं अभी देख पा रही हूँ कि हमारे दोनों के बीच वो डिफरेंस कम होता दिख रहा है, हम एक फ्रेंडशिप की जगह पे आके बात कर पा रहे हैं और वो जो चाहते हैं, जो चाहना थी मेरी कि मैं बेटी की फ्रेंड बन पाऊं, वो मुझे दिख पा रहा है कि ये संभव है और ये होगा ही, तो वो एक बहुत अच्छी बात शुरू हो गई है और वही मैं शेयर करना चाह रही थी कि बस हम लगे रहे तो बच्चों तक अच्छी चीज पहुंच ही जाती है और वो भी आ ही जाएंगे, मतलब जो नहीं आए हैं, और वो नियति सहज हो ही जाता है, मतलब मेरे साथ भी नियति सहज बहुत अच्छे से हुआ और बिटिया भी अभी पठन और में लग गई और मतलब उसको भी बहुत अच्छी ग्रोथ, जैसे पहला संबंध माँ से बनता है तो पहला संबंध ठीक करना भी माँ से शुरू हुआ, तो हम हमारे संवाद बढ़ गए और इस वजह से हम बहुत रिलैक्स हो गए और बिटिया में ये कॉन्फिडेंस दिख गया कि अब उसको शादी के लिए, जो अभी उसकी 24 एज है, तो अभी तक उसको ऐसे रखता था जो शादी के प्रति जो डर बैठा हुआ था कि शादी क्यों करनी है या मैं कोई सहने वाली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूथ के होते ही है, तो वो सब उसके अंदर रिजॉल्व हो रहे हैं और वो बहुत सहज होती जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ भैया जी, और ऐसे लग रहा है कि मतलब हम सबको भी अब रिलैक्स होके बस खुद पे काम करते रहे तो आगे काम हो ही जाएगा, और इस वजह से मेरा नियति पे विश्वास बढ़ने से वो सारी चीजें मतलब हम अपने आप से भी देख रहे हैं और आपस में भी देख रहे हैं। जी भैया जी, बस एक छोटी सी शेयरिंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। तो ये हमारा जो जर्नी है वो स्ट्रेंथनिंग सेल्फ, पूरा यूएचवी का जर्नी, तो सेल्फ का स्ट्रेंथनिंग करने में चिंतन मनन यही एक है क्या, और कुछ टूल्स है? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, देखिए सेल्फ की स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी है, सहज होना है, नेचुरल होना है। अच्छा, क्योंकि हम लगता है कि दूसरा हमारा विरोधी है, हमें स्ट्रांग होना है, ऐसा नहीं है। दूसरा हमारा संबंधी है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए मैं आराम नहीं पा रहा हूँ, तो नेचुरल होना है, स्ट्रांग नहीं। ये हमारा मैनेजमेंट से सब जुड़ा रहा और थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा रहा, तो ये सेल्फ में आने में शायद तकलीफ होती है, इसलिए मैं कुछ टिप्स आपसे पूछ रहा था। चिंतन मनन शायद और वाचन ऐसा ही। हाँ देखिए, मनन का मतलब क्या है, जैसे अभी हम अपनी कल्पनाशीलता में जो कर रहे हैं वो मनन है, जैसे अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उससे हम सबके अंदर मनन हो रहा है। चिंतन का मतलब कि हमको भाव दिख गया, स्पष्ट हो गया, उसको चिंतन कहा। ठीक है सर, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, टाइम हो रहा है, समय हो चला है। जी भैया, हमारे यूएचवी के बहुत सारी एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे, तो हम में से जो साथी उसके साथ में जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज या तो हमारे चैट बॉक्स में अपना नाम डाल सकते हैं। और अभी तो हम इस मीटिंग के साथ में हमारी समझ को बढ़ाने के प्रयास में, लेकिन जब इस तरह से हम वॉलेंटियरिंग करते हैं तो उसके साथ में और बाकी वॉलेंटियर के साथ में जब हम जुड़ते हैं और उनके साथ जो चर्चा होती है उससे भी हमारी समझ बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। और सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज चल रहे हैं तो उसमें जब हम ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग हमको दिया जाएगा, जो वॉलेंटियर्स पहले से काम कर रहे हैं वो हमारे साथ में रहेंगे, तो वो कोई बात नहीं, अगर हमको कुछ नहीं भी आता होता उस रिलेटेड तो भी वो सारी मतलब बातें हमको मतलब ट्रेनिंग मिलेगी उसकी। तो बस भैया इतनी बात रखनी थी, तो समय भी हो चला है, तो क्या आज के लिए हम लोग रुक सकते हैं? जी भैया,
जी रोक लेते हैं। तो आज के असाइनमेंट ग्रुप में ये है कि जो तीसरा शिफ्ट है इसकी आज हम लोगों ने बात की, उसके लिए हम अपने आप पे तैयारी देख पा रहे हैं कि नहीं, और जो असाइनमेंट सामने लिखा है इसको भी हम नोट कर लें, आज ये असाइनमेंट ग्रुप में जाएगा। कल भी इनफैक्ट ये शेयर किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप में और आज इसको फिर से भी हम लोग रख लेते हैं, तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली नोट कर लें, क्योंकि ये जो हमने थोड़ा समय लगाया इस पे लेक्चर टू पे खासतौर पे इसलिए क्योंकि ये जो मल्टीपल शिफ्ट्स हैं इसको ठीक से अपने आप में ऑब्जर्व कर लेना जरूरी है ना, कि ये शिफ्ट की हमारी तैयारी हो पा रही है कि नहीं, फिर हम आगे बात कर पाएंगे। जी भैया ठीक है, बढ़िया जी, धन्यवाद, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते सभी को।